सरकार जनकल्याण योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आधार को अनिवार्य करती जा रही है, लेकिन दिल्ली में ही ऐसे कई जरूरतमंद हैं जिन्हें अपने राशन कार्ड पर अनाज लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। GoNews से खास बातचीत में सतर्क नागरिक संगठन की अंजलि भारद्वाज ने बताया कि कैसे आधार के कारण लोगों को जन कल्याण योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं थे उन्हें कहा गया आप पहले जाके आधार नंबर लाइए, उसके बाद ही हम आपको एनरोल करेंगे, एनरोलमेंट नंबर लाइए। जब वो एनरोलमेंट करा के लौटे और उन्होंने कोशिश करी कि उनका नाम कार्ड पे आए, तब तक कोटा ख़त्म हो चुका था। तो एज अ रिज़ल्ट आज बहुत सारे हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं दिल्ली में जिनके जो कि बिल्कुल एलिजिबल हैं, उन्हें राशन मिलना चाहिए, वो अंत गरीब परिवारों से हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास उस समय पे आधार नंबर नहीं था, एनरोलमेंट नंबर नहीं था, इसीलिए उनका राशन कार्ड पे नाम नहीं चढ़ा और कोटा ख़त्म हो जाने की वजह से आज भी वो राशन से वंचित है। एक बायोमेट्रिक मशीन दे दी है जिसका जो कि आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। और अगर कोई राशन लेना चाहते हैं, यदि उनका राशन कार्ड पे नाम भी है, तो उन्हें जाके अपना अंगूठे का या अपने फिंगरप्रिंट्स को मैच कराना होता है और तभी उन्हें राशन मिल सकता है। ये जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस हैं, क्योंकि आधार इनेबल्ड है इसीलिए इन पे सिग्नल आना चाहिए है, और इंटरनेट का जैसे सिग्नल होता है वो उन पे होना चाहिए है। पर ज़्यादातर जगहों पे पुअर सिग्नल होने के कारण या नो सिग्नल होने के कारण ये जो मशीन्स हैं ये काम ही नहीं कर रही हैं। तीसरी तरीके की दिक्कत ये भी है कि बहुत सारे लोग जिन्हें राशन मिलना चाहिए वो मजदूरी करते हैं, डेली लेबरर्स हैं, और उसके कारण उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सही से मैच नहीं हो पाते हैं। जब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेलियर होता है, जब बायोमेट्रिक मैच नहीं करता है, उसे ये कहने की बजाय कि अंगूठे का निशान या उंगली का निशान मैच नहीं किया, इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कोई वो लोग राशन लेने के लिए आए ही नहीं दुकान पर, और इसके कारण उन्हें अब ये कहा जा रहा है कि आप तो राशन लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, इसीलिए आप बोगस हैं, और बोगस कह के आधार के बेसिस पे उनका नाम राशन कार्ड से काटने की पूरी एक सोच बनाई जा रही है। में दो कारण है। पहली चीज़ तो ये है कि आधार केवल आइडेंटिटी फ्रॉड को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर फ्रॉड अगर हम देखें, करप्शन जो राशन में हो रही है वो इस कारण से हो रही है कि जहाँ पर राशन बेचा जा रहा है वहाँ पर या तो गंदी क्वालिटी का राशन बेचा जा रहा है जिसके बारे में आधार कुछ नहीं कर सकता, या फिर कम राशन दिया जाता है। यदि किसी को 35 किलो मिलना है उन्हें 5 ही किलो दिया जाता है।